एसआर पावर बंधौरा की कैंटीन में किए गए मजदूरी का संविदाकार ने नहीं किया भुगतान, पीड़ित व्यक्तियों ने एसपी से लगाई फरियाद। सिंगरौली, आपको बता दें कि बैढ़न जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर सखुआ गांव निवासी लोगों ने पहुंचकर आवेदन देते हुए बताया कि विगत 3 माह से हम 4 उन लोगों ने एसआर पावर प्लांट बंधौरा की कैंटीन में मजदूरी का काम किया था, जहां संविदाकार के द्वारा हमें बिना कारण वहां से निकाल दिया गया और अब की गई मजदूरी का भुगतान संविदाकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। पीड़ित ने कहा कि हम सभी जब भी संविदाकार के पास जाते हैं तो उनका केवल एक ही आश्वासन रहता है कि जब पैसा आएगा तो दिया जाएगा। वहीं बीते दिन जब हम 4 ने उनके पास जाकर पुनः निवेदन किया कि हमारे पास पैसे नहीं है, बच्चों का पेट पालने के लिए हमें हमारा भुगतान कर दिया जाए, तो संविदाकार ने सीधे तौर पर कहा कि तुम्हारा भुगतान नहीं किया जाएगा, जहां शिकायत करनी हो कर दो। पीड़ित लोगों ने कहा कि हम 4 का मिलाकर लगभग 50,000 बकाया है, लेकिन उनके द्वारा केवल भटकाया जा रहा है और हमें हमारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी समस्या को लेकर हम आज पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर आग्रह किए हैं कि हम लोगों के द्वारा किए गए मजदूरी का भुगतान करवाया जाए, जिससे हमें हो रही समस्या से निजात मिल सके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश गुप्ता है। क्या समस्या लेके आप लोग एसपी ऑफिस और थाने में शिकायत की है? हम लोग समस्या ये लेके आए हैं, हम लोग बनौरा प्लांट में कैंटीन में काम किए हैं, हम मिस्त्री हैं, ये हमारे असिस्टेंट हैं। हम लोगों को बाकायदा भी लगे कि इतना काम हम तक काम करेंगे तो आपको इतना तनख्वाह दूंगा, इतना मिलेगा आपको। हम लोग 4 बजे भोर से 10 बजे रात तक ड्यूटी किए हैं सर, हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा है। 3 महीना हो गया, बाल बच्चे तक लग रहे हैं, क्या करें? 3 महीने से पैसा आप लोगों को नहीं मिला? महीना हो गया, 17 महीना हम काम किए हैं, कुछ भी पैसा उन्होंने नहीं दिया है? नहीं, बस मिला 1,000-2,000 खुराक ही मिली है। हम लोग बोल रहे हैं कि आप कहाँ पे काम किए थे आप लोग? बनौरा प्लांट कंटीन चाइना। कौन था ठेकेदार आपका? दिनेश तिवारी। दिनेश तिवारी अब क्या कहते हैं जी? दिनेश तिवारी का क्या कहना है? उनका कहना है कि आप जहाँ जाओ, जहाँ ना जाना होगा मैं बात कर लूँगा, मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरा पैसा बिल मिलेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा, बिल मिलेगा तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 60-70 आदमी को खाना खिलाए हैं, वो 150 आदमी के बिल पास करवा। कितना पैसा आप लोग का रुका हुआ है 4 लोगों का? भैया 1.5 महीना का मेरा पैसा है, 1 महीना लॉगिन का, 2 महीना लॉगिन का। लमसम कितना पैसा बकाया होगा 4 लोगों का? इनकी 8,000 इनकी तनख्वाह है इनकी, और मेरे 18,000 बकाया ले रहे थे, इनको 12,500। मतलब लमसम 50,000 के करीब रोक के रखे हैं। तो वहाँ पे आप काम आप लोग कर रहे हैं कि छोड़ दिए हैं? नहीं सर, छोड़ा नहीं हम लोग, मेरे को 1 महीना पहले निकाल दिए। अच्छा, निकाल दिए हैं वो? ये ज़्यादा बोला है, तनख्वाह ज़्यादा मांग रहा है, तुम लोग निकाल दिए। पूरे 1.5 महीना कराने के बाद बोल रहे हैं मैं इतना ही दे पाऊँ। आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जो पैसा तब निकल रहा है सर, जो काम किए गरीब आदमी, हम लोग बाल बच्चे तरफ में हम लोग पैसा वो दे दें, बस हम लोग इसके बिना कुछ नहीं चाहते हैं सर।